जी फैमिली से मैं कहूँ तो रेस्टोरेंट लाइन से ही था, जितने मेरे दादा परदादा मेरे ताऊ फादर ब्रदर सब रेस्टोरेंट हलवाई वाली लाइन से ही। मेरी लाइन नहीं थी कि मुझे अपने फैमिली बिजनेस में आना ही पड़ता है। दोस्तों आ गए आज विकासपुरी में, और विकासपुरी में आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आए ना, मतलब जिसको देखकर आप आग लग जाएगी आपके मन में भी खाने के लिए, और मतलब वीडियो के अंदर भी आग लगने वाली है। मतलब यहाँ पर जो वीडियो देखोगे ना, और जिस बंदे की मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर ऑमलेट बनाते हैं, मेरे ख्याल से जितने भी फूड ब्लॉगर हैं, जितने भी अभी तक के दिल्ली के अंदर फूड ब्लॉगर हैं, सबने यहाँ पर आके वीडियो बना के सबने अपने यहाँ का टेस्ट एक बार बता रखा था, यहाँ का टेस्ट कैसा है। और मेरे ख्याल से आपने भी इनकी एक बार वीडियो ज़रूर देखी होगी। तो यहाँ पर जो ऑमलेट है ना, वो हांडी में बनने वाली है। मतलब चिकन खाया होगा, मटन देखा होगा हांडी के अंदर। ऑमलेट मैं खुद पहली बार देखा था, जब मेरा बड़ा मन किया था कि एक बार ऑमलेट जाकर इनकी ट्राई जरूर करते हैं। तो चलिए एक बार अंकल से बात करते हैं कि यहाँ पर दुकान वगैरह कब से है, टाइमिंग क्या है, टेस्ट क्या है, प्राइस क्या, सारी बातें करेंगे। तो चलिए आइए अंकल के पास चलते हैं। तो चलिए भाई यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अपने अंडे फोड़े जा रहे हैं। अंकल कितने अंडे आते हैं इसके अंदर? चार अंडे आएंगे। चार अंडे, और कितने लेयर में ये ऑमलेट बनने वाली है? तीन लेयर में वही ऑमलेट बनने वाली है। और अभी सबसे पहले क्या होगा? ये धनिया आ गया, उसमें हरी मिर्च आ गई, लाल मिर्च आ गया, ठीक है, चिली फ्लेक्स आ गया, ठीक है, मसाला है वो आ गया, ठीक है, ये नमक आ गया, ठीक है। पहले क्या बनेगी? हाफ फ्राई ज़्यादा बनेगा जी, ऑमलेट ऑमलेट बनेगा पहले, ठीक है। और उनका ये बताइए, इसकी शुरुआत आपने कैसे की? मतलब कैसा ऐसा दिमाग में आया कि अंडे की शुरुआत करते हैं? जब आदमी ने कुछ करना होता ना जी, सारा दिमाग चला लेता है। अच्छा, और जब कुछ नहीं करना होता ना, उसका दिमाग बेकार होता है। वो कहता है कि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। सर फैमिली बिजनेस, फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली बिजनेस मैं कहूँ तो सारा रेस्टोरेंट लाइन से ही था, ठीक है। तो जितना भी रेस्टोरेंट लाइन से था, जितने मेरे दादा परदादा मेरे ताऊ फादर ब्रदर सब रेस्टोरेंट हलवाई वाली लाइन से था। फिर ये लाइन नहीं थी, अच्छा, लेकिन मुझे अपने फैमिली बिजनेस में आना ही पड़ेगा। इसके अंदर देखिए दो स्लाइस गई हैं चीज़ की। अभी आपको यहाँ पे कितना टाइम होगा करते हुए? देखो जी, काम करते हुए मेरे को 4.5 साल हो गए। चार साल साढ़े चार साल, 5 साल ही लगा लो, ठीक है। आ गया सितंबर, मुझे 5 साल कम्प्लीट हो गए। और मैंने देखा था पहले, मतलब आप रिक्शा वगैरह भी चला रहे थे? सर हाँ जी, रिक्शा चलाया मैंने, शुरुआत रिक्शा चलाने से हुई है जी। अच्छा, रिक्शा चला रहे, मतलब उसके बाद ये सोचा कि अपना ऑमलेट का काम शुरू करते हैं। मतलब जो सेटअप था ना, वो यहाँ पर ऐसा नहीं था, मतलब रिक्शा के अंदर ही उन्होंने कस्टमाइज किया हुआ था। अभी यहाँ पर इन्होंने शॉप ले लिया। तो ये शॉप अभी लिया ना अंकल आपने? ये तो अभी किराए पर लिए जी, जहाँ सी ब्लॉक लगाते थे जी, वहाँ थोड़ी दिक्कत हो रही थी, ठीक है। तो यहाँ शॉप कर ली है, सी ब्लॉक भी 2-4 दिनों में लगानी शुरू कर देंगे। मतलब अभी यहाँ से वहाँ पर भी दोबारा शिफ्ट हो रहे हैं? हाँ जी, ठीक है। और ये अपनी पहली लेयर रेडी हो गई है ऑमलेट की। इसके अंदर दो चीज़ गई हैं? हाँ जी, दो चीज़ स्लाइस चले गए, दो अंडे चले गए, दो अंडे, दो चीज़ गई हैं। और ये गई अपनी हांडी वाली ऑमलेट। और बटर देखिए भाई, बटर कितना सारा जा रहा है, मतलब पूरा भर भर के। देखो जी, बटर जितना जाना चाहिए उतना ही जा रहा है। कमेंट्स आते हैं कि अंकल अपने जहाँ कर देगा आपकी। अच्छा, ये हांडी जो है दो बंदों के हिसाब से बनी हुई है। दो बंदे इनफ है दो बंदों के लिए? हाँ, काफ़ी रहता है। हिसाब से बनी हुई है तो जितना जाना चाहिए उतना ही। बताइए, देखिए भाई, प्याज गई है, हरी मिर्च गई है, और साथ में गया बटर। जो आपका स्टाइल है वो फायर वाला, वो थोड़ा सा यूनिक लगा, वो कैसे मतलब आइडिया आया कि फायर से? एक्चुअली देखो, इसके अंदर मैं कहूँ तो यूट्यूब का बड़ा योगदान है, ठीक है। क्यों, आजकल के जो थोड़े से पेस्ट्री शेफ्स है ना, पेस्ट्री शेफ, वो कुछ पेस्ट्रीज या कुछ अपनी होती हैं डिशेज, उनको कैरमलाइज करने के लिए ना फायर गन का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, तो मेरे को ये आइडिया वहीं से आया कि ऐसे ये भी बन सकता है। इसके अंदर का ये रेड चिली, धनिया, ये हमारा मसाला, ये नमक, बहुत बढ़िया। और एड्रेस और बताना अंकल, यहाँ का एड्रेस क्या होता है? इसका है जी, जी ब्लॉक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, गौरव टावर, नियर कैनरा बैंक, ठीक है, नियर कैनरा बैंक, विकासपुरी, विकासपुरी। और जो इससे पहले शॉप थी उस वाली का एड्रेस क्या होगा? उसका है जी सी ब्लॉक, सी ब्लॉक डी डी एम मार्केट, नियर बुढ़ेला, ठीक है भाई। बटर देखिए कैसे मतलब भर भर के जा रहा है। ये नहीं कि वो जो पाउच में होता है ना, छोटा सा बटर डाल दिया पूरा भर के। अंडे देखिए भाई, मतलब अंडे मेरे को थोड़े से अलग लगे आपके। अंडे भी देखो ना जी, अब हमारे हल्के नहीं होते, ब्रांडेड। ये देखिए भाई, आपको ये थोड़ा ऑरेंज ऑरेंज कलर लग रहा है, बाकी के होते हैं ना येलो होते हैं। सर ये न्यूट्रिशन है पूरे, इसके अंदर सारे चेक होकर, ठीक है, तभी अंडा आता। और हांडी वाली का प्राइस कितना रहता है? 280 से स्टार्ट है जी। 280 से स्टार्ट है, और कितने तक जाता है लास्ट? 340 तक। ये अपनी हाफ फ्राई हो रही है? ये हाफ फ्राई है, ये थर्ड लेयर है। और जो इसके बाद जो कमाल होगा ना, जो मेन पार्ट है इस वीडियो का, वो वाला भी नज़र आएगा आपको। ये देखिए भाई, ये अपनी थर्ड लेयर हो गई है रेडी, और इसके साथ आ रहे हैं ब्रेड। ये दोबारा से वही बटर गया है,
और टाइमिंग क्या रहती है अंकल यहाँ की? टाइमिंग यहाँ से रहती है 4 बजे से रात को 11 बजे, सुबह को 4 बजे से लेके रात को 11 बजे तक। बहुत बढ़िया। और ये इसी के साथ जा रहे हैं 4 ब्रेड। ये देखिए भाई, ये होता है इस वीडियो का मेन पार्ट, चीज़ जाएगी अब इसके ऊपर से। क्या होता है, भर भर के चीज़ आ रही है, बहुत बढ़िया। और ये देखिए, जो मैंने पहले बोला था ना वीडियो के अंदर आग लगने वाली है, वो ये वाला पार्ट है, मतलब पूरे इसके अंदर आग लगेगी। अभी देखना, ये जितनी भी आपको चीज़ देख रही होगी ना, सारी मेल्ट हो जाएगी इससे। और इसके साथ जाएगा अमूल बटर। ये देखिए भाई, ये है वीडियो का मेन पार्ट, जो असली पार्ट है वीडियो का। अगर दिख रहा होगा आपको नीचे से, यहाँ से देखिए, पूरा जितना भी बटर है सारा मेल्ट हो रहा है, और साथ में जा रही है अमूल चीज़। क्या हुआ था भाई, शानदार एकदम। अगर आप कलर देखोगे ना ठीक से, तो यहाँ पे देखिए पूरी पकने लग गई है, मेल्ट हो रही है। ये रेडी हो गए अंकल? ये रेडी, ठीक है। और ये इसके ऊपर से दोबारा मिर्च गई है, रेड चिली, ठीक है, चिली फ्लेक्स गई है। और ये गया है, और ये अपनी ऑमलेट हो गई है रेडी, साथ में जा रहे हैं इसके 4 ब्रेड। ऑमलेट अपनी लग गया, मतलब हांडी वाला ऑमलेट है। देखिए हांडी गर्म हो रखी है। चीज़ देखिए भाई कितना सारा है, मतलब ये सिर्फ चीज़ और अमूल बटर है देखिए, और 3 लेयर के अंदर है ये। देखो भाई, तो भाई अमूल बटर अगर आपको दिखाऊँ ना, दिख रहा होगा आपको, ये देखो, मतलब ये बटर है, ठीक है। तो चलो भाई एक बार ट्राई करते हैं अपनी पहली लेयर। क्या हुआ था भाई, ये देखो भाई, ये है पहली लेयर, पहली बाइट अपनी, मतलब तीनों फ्लेवर है इसके अंदर, ठीक है, ऑमलेट भी है और एग फ्राई भी है, और वो एक बार ट्राई कर दिया। भाई एक नंबर का टेस्ट, मतलब जितने भी फ्लेवर हैं सारे एकदम से आके मुंह में पूरे फैल गई। हल्का हल्का जूसी और हल्का हल्का स्पाइसी है, मतलब चीज़ देखिए, चीज़ का तो अलग ही फ्लेवर आ रहा है, मतलब चीज़ मैंने बहुत सारी खा रखी है, पर इसका थोड़ा सा डिफरेंट लगा मेरे को। देखिए भाई, चीज़ यहाँ तक पूरी मेल्ट हो रखी है। एक बार बैठ के साथ खाएंगे, बैठ के साथ क्या सीन है, पूरा नीचे तक लेके जाएंगे भाई, 280 रुपये वसूल करने हैं पूरे। ऑमलेट खाई, बहुत सारी खाई। एक तो मेन पार्ट ये है कि जो भी था ना वो फ्राई, जो भी था वो फायर में करके दे रहे थे, सबसे बढ़िया मेरे को वो वाला मेन पार्ट लगा। दूसरा है, चीज़ इतनी मेल्ट कर रखी है, बटर इतना ज़्यादा है, मतलब लगेगा नहीं कि आपको ज़्यादा है। आपको जब वीडियो अपने देखोगे तब आपको ऐसा लग रहा होगा बटर बहुत ज़्यादा है, मतलब पूरा वो रखा है, अनहेल्दी लग रहा है, पर मेरे को हेल्दी लग रहा है। टेस्ट इसका बहुत बढ़िया है। आपने पूरी वीडियो देखी, अभी एक काम करो, फटाफट से जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो।